धर्म ही अर्थ का मूल है। इस चक्रव्यूह का जो ये गेम है बहुत ही असाधारण है, कमाल है और अद्भुत है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और जब मैंने ये गेम खेला मेरे को लगा मेरा 25 साल वेस्ट हो गया, साला टोटल वेस्ट हो गया। यू नो, जितना कमाया सब उड़ाया और ऐसा कुछ बनाया नहीं। मतलब मैं खड़ा हो गया एक लेबरर के मफत खड़ा हो गया, मैंने यहाँ डांस किया तो पैसा मिला, फिर डांस किया मैंने फिर पैसा मिला, इस तरह से मेरे को मिलता गया। लेकिन ये जब गेम खेला तो मेरा दिमाग में ये बात आया कि कितना देर मैं डांस करूँगा और कितने साल तक मैं डांस करूँगा और कितने मुद्दतों तक मैं डांस करूँगा, ये मेरे दिमाग में ख्याल आया। एंड दैट इज़ वेयर इट शुक मी रियली बैडली। यू नो, मैं जयेश भाई के घर में बैठ के ये गेम खेल रहा था एंड आई रियलाइज दैट यू नो आई हैड एब्सोल्युटली वन रॉन्ग नोशन अबाउट मनी, दैट आई विल स्टैंड एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड स्पीक माई हार्ट आउट एंड पीपल यूज टू पे मनी। यू नो, अपने को एक अकड़ था कि साला किधर भी खड़ा हो जावे पैसा कमा लेंगे, लेकिन ये गलत फहमी थी। ये मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ और फिर इन्होंने मेरे को बताया कि किस तरह से करना है। एंड यू नो समथिंग हैपेंड टू मी व्हेन आई वाज प्लेइंग दिस गेम इन अबाउट 1.5 आवर्स 2 आवर्स मेरे को लगा कि मेरे को चला जाना चाहिए, अभी मेरे को गेम नहीं खेलना बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड कि मेरे जैसा खोपड़ी के साथ ऐसा कैसे हो गया। यू नो, मैं अपने आप को क्यों, हर आदमी तो मन्ने तो बद्दू आवड़े छे, यू नो मालातर सगल का माहित है, मेरे को तो सब कुछ मालूम है। ये जो एक भावना थी मेरे मन में, ये भावना वो दिन एकदम यू नो टूट के बिखर गई एंड आई रियलाइज दैट आई हैड नॉट मेड माई सेल्फ स्ट्रांग इनफ टू मल्टीप्लाई वेल्थ। यू नो, इन अ सेंस दिस इज अ गेम एंड दिस इज अ बिजनेस विच दीज फोर जेंटलमैन हैव डिवाइस्ड विच विल गो टूवर्ड्स डीपनिंग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये चक्रव्यूह खेलने का मकसद क्या है कि हमें बाहर निकलना है, तो बाहर कैसे निकल पाओगे? वन मोर एस्पेक्ट व्हिच आई लव अबाउट दिस गेम इज यू नो नो स्कूल टीचेस अबाउट फाइनेंस व्हिच इज ब्रॉट अबाउट सो ब्यूटीफुली सो प्लेफुली इन दिस गेम। वी आर पीपल हु वर्शिप द लक्ष्मी गॉड्स, वी आर वर्शिपिंग मनी एक्चुअली, सो दिस गेम इज अ स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दैट लक्ष्मी in the modern context. There are 4 stages of wealth. Pehla jo peedhi hoti hai, that is identification of wealth. Paisa kahan se aayega? The second stage is wealth creation. So pehle do stage mein you are behind money. You are working very hard for money. Phir kya hota hai? Money starts coming behind you. So aapne dekha hoga is game mein, they are struggling with. The moment you are out of the chakra view, you will suddenly find that you are in a different world. Aur ye hota hai. So the third stage of wealth is wealth management. आपके पास अगर पैसा आ गया तो यू हैव टू कीप इट प्रॉपर्ली एंड मैनेज इट वेरी वेल, नहीं तो कमाया और निकल जाएगा। एंड द ब्यूटी ऑफ द गेम वाज इट्स सिंपलिसिटी। एवरीथिंग दैट वी सी इन लाइफ विद मनी इन रियलिटी कुड बी फेल्ट इन द गेम। इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अमेजिंग। आई रियली फील दैट ऑल ऑफ यू शुड एटलीस्ट प्ले दिस गेम वंस इन योर लाइफ टाइम। If you play once in your lifetime, I'm very sure that you'll fall in love with the game, you'll fall in love with yourself, and more important is you'll fall in love with money, because money wisely handled is the most important aspect of a life.